हाइड्रोकार्बन, मेथड ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच मीन्स एल्केन्स एंड अल्काइन्स, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन वी विल फॉर्म। ओके, डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्केन्स। डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्केन्स एंड अल्काइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, प्लैडियम और निकल टू फॉर्म अल्केन्स। और इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। और इसमें ये जो मेटल्स होते हैं वो एडजॉर्ब होते हैं, एडजॉर्ब डाइहाइड्रोजन। दीज मेटल्स एडजॉर्ब डाइहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सर्फेसिस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आफ्टर दैट प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज करता है रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड रिक्वायर विद द निकल कैटलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अल्कीन्स। हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे पहले अल्कीन से। ओके, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें हम लोग एच टू डालेंगे और निकल पी टी और पी डी, तो ये हमारा सी एच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें हमारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। वैसे ही दूसरा है अल्काइन वाला भी। अल्काइन्स में क्या है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों टूट जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन 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 आ जाएगा। इसमें भी कैटलिस्ट वही होगा H2Ni और Pt और Pd, ठीक है। और इसमें बन जाएगा हमारा CH2। ओके, इसमें भी वैसे ही होगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन टूटा, H2 बना Ni की प्रेजेंस में, हो गया। फिर यहाँ पे अल्काइन है, डबल बॉन्ड दोनों टूटा और H2 ये अनसैचुरेटेड हो गया। ओके, वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं। हम सबसे पहले इसका सोच रहे हैं ना कि आंसर मिटा दूँ। मैं आंसर अपने से ही बनाऊंगा। तो इसका क्या था, इसमें हमारा बनेगा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH2, ठीक है। और फिर यहाँ पे H2 पी डाई है, तो यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फिर ये बन जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड आएगा और ये बन जाएगा। ओके, ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ भी देखेंगे, तो इसका फोर्थ का आंसर
फोर्थ का आंसर इसका हो जाएगा ऐसे। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, सिक्स का आंसर हो जाएगा। ओके फिर अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। अल्काइल हैलाइड में हम लोग फ्लोराइड को छोड़ा दें तो ऑन रिडक्शन विद द जिंक एंड द डाइल्यूट एच सी एल गिव्स अल्केन। जिंक और डाइल्यूट एच सी एल जेड एन सी एल टू के फॉर्म में आता है और एच टू के फॉर्म में, तो इसका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा एक्स हटाओ एच लगाओ। वी विल रिप्लेस द हैलाइड विद द हाइड्रोजन एटम। ओके नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, यस सी एच थ्री बी आर, बी आर रिप्लेस बाई द एच प्लस एंड हेयर इज ऑल्सो सी एल रिप्लेस बाई द एच प्लस एंड हेयर इज ऑल्सो बी आर इज रिप्लेस बाई एच प्लस एंड इज इट सिंपल्स वन। ओके फिर बुर्ज रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड इज ऑन द ट्रीटमेंट विद द सोडियम मेटल इन द ड्राई इथरिल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव हायर अल्केन्स। द रिएक्शन इज नोन एज बुर्ज रिएक्शन। ओके इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ये हम लोग यूज़ करते हैं हायर अल्केन बनाने के लिए इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, स्पेशली है ये इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए ही होता है, स्पेशली इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए ही होता है। ओके ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, देयर इज डायरेक्ट मेथड। सी का रेडिकल बनाकर मिरर इमेज लेकर चिपका दो, डायरेक्ट मेथड। सी का रेडिकल बनाकर मिरर इमेज लेकर चिपका दो, सी का रेडिकल जैसे कि ये है रेड, लुक एट दिस क्वेश्चन, ये जैसे कि है ना, तो यहाँ पे ये टूटेगा तो ये रेडिकल, ये रेडिकल तो ये रेडिकल तो ये हो जाएगा, ये रेडिकल ये हो जाएगा, ये रेडिकल ये बन गया हमारा, और क्या। इसमें है ऐसा ही मिरर बना के चिपका देना है, फिर इसमें भी वैसा ही मिरर बना के चिपका देना है, मिरर इमेज बना के चिपका देना है। और फिर इसमें भी वैसा ही मिरर इमेज बना के चिपका दो, और फिर इसमें ओके ओपी पॉइंट्स हैं। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमीडिएट, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होता है, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही में, इंटरमोलिकुलर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, बट प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन हो जाएगा, तो इसमें जब बी आर है यहीं इंट्रामोलिकुलर बुर्ज रिएक्शन हुआ, तो यहाँ बना ये बना ये बना ये बना ये बना ये बना, तो इसमें इन्हें ड्राई इथर डाल दिए हम लोग, ये बना ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर इसका एरोमेटिक बन गया, तो मोस्ट स्टेबल होता है एरोमेटिक, तो ये हम लोग प्रीफर करेंगे। जैसे कि इसमें है जो मतलब कि इंट्रामोलिकुलर एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो हम लोग इंट्रामोलिकुलर नहीं इंटरमोलिकुलर प्रीफर करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करना है इसमें। एनी ड्राई इथर है, एनी ड्राई इथर में बी आर हेयर 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 हेयर, और इसमें हमारा
इंट्रामोलिकुलर स्टेबल होगा, इंट्रामोलिकुलर सॉरी इंट्रामोलिकुलर हम, और यहाँ भी तीन कार्बन का इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर दिस इज ऑल्सो फॉर्म, यहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, फिर ये रेडिकल जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच बॉन्ड, पाँच बॉन्ड का साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। और इसमें अगर हम कैसा बनाएंगे तो ऐसा लगा देंगे कहीं भी, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये एन ए सी एल है, राइटर डाल दिए, ओके। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ सी ओ टू, किसे रिमूवल ऑफ सी ओ टू, डिकार्बोक्सीलेशन, डिकार्बोक्सीलेशन रिमूवल ऑफ सी ओ टू, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड ऑन हीटिंग विद द सोडियम सोडा लाइम, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड ऑन हीटिंग विद द सोडियम सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम मतलब मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सोडा लाइम, और गिव्स एल्केन्स कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस दैन द रेट्रोग्रेसिव रिएक्शन हो जाएगा, इसमें एक कार्बन एलिमिनेट हो जाए मतलब खत्म हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सी ओ टू फ्रॉम अ कार्बोजेलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, सी ओ टू का कार्बोजेलिक एसिड से रिमूवल को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे, और ये रिएक्शन है आर सी ओ ओ एच, इसमें एन ए ओ एच निकाल दिए तो आर सी ओ ओ ओ एन ए, इसमें हम लोग दिए तो आर एच हो जाएगा प्लस एन ए टू सी ओ थ्री, फिर आर सी ओ एन ए में ये सी ओ टू और एन निकल गया तो आर एच बन गया, ठीक है। इसका डी एम हो गया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड एकदम सिंपल कि आर सी ओ ओ एच है तो इसमें आर एच कर देना है, इसमें ये वाला निक हटा के ये वाला लगा देना है, तो डी एम हो गया। जैसे कुछ क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे ये वाला हटा के ये वाला सी ओ एन ए हटाएंगे और एच लगा देंगे तो सी एच फोर बन जाएगा, यहाँ पे भी सी ओ एन ए हटाएंगे और एच लगा देंगे, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस हो गया। ओके लुक एट दिस, हियर वी आल्सो रिमूव द सी ओ एन ए एंड ये से कंपाउंड बन जाएगा, फिर इसमें भी ये वाला हटा देंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसमें भी ये वाला हटा देंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसमें से ये वाला हटा देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें से ये वाला हटा देंगे ये बन जाएगा, हो गया। फिर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट, हम लोग सोडियम और पोटेशियम का साल्ट लेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, मतलब कि सी ओ ओ एन ए सी ओ ओ के, ये हो गया एक्वस सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे रहा था और वुड्स रिएक्शन भी, और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड देगा, ठीक है, मतलब आर आर एनोड पे बनेगा, जैसे कि ये हो गया आर सी ओ एन ए, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किए तो आर आर बन गया। मैकेनिज्म है, कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा और एनोड पे आर 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 और सी ओ टू एनोड पे। ओपी पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपी पॉइंट्स हाइड्रोजन इवॉल्व एट कैथोड एंड सी ओ टू एट एनोड एंड आर आर एट फॉर्म ऑल्सो एट एनोड। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिक, नेचर ऑफ
सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक होगा, सब याद रखना वाइट ओपी पॉइंट्स। डायरेक्ट मेथड आर सी ओ एन ए यहाँ आर, फिर एक और आर बना, मतलब कि रेडिकल निकालना है एक और आर से जोड़ देना है वैसा ही, मतलब यहाँ सी एच थ्री है तो सी एच थ्री एक और सी एच थ्री लग जाएगा, और फिर ये यहाँ पे है तो इसको रेडिकल बनाओ, बुर्ज रिएक्शन टाइप जोड़ दो। जैसे कि यहाँ भी ये रेडिकल बना, जोड़ दिए, ये देखो बुर्ज रिएक्शन की तरह जोड़ दिए फ्री रेडिकल बना के। यहाँ पे रोट है सी ओ है तो ऐसा ही, ओके। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड जिंक और एच प्लस और बुर्ज रिएक्शन, देन जो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो अच्छा होगा, तो जैसे आयोडाइन लिविंग ग्रुप अच्छा है तो इसका ज़्यादा रेट, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तो बॉन्ड एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। आयोडाइन का कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स बुर्ज रिएक्शन, तो जिसमें बुर्ज रिएक्शन में बल्किनेस ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो बल्किनेस कम, ये 1 डिग्री है तो इससे ज़्यादा होगा, ये 2 डिग्री इससे, और 3 डिग्री में ज़्यादा बल्कि तो सबसे कम होगा। विच एल्केन डू नॉट प्रोड्यूस बाई द कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस बाई द कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। हेयर इट इज एन ड्राइथ, ये ऐसे पंकज सर स्पेशल है, ये हमारा इथेन बनाना है, क्या क्या बनाएंगे, एन ड्राई इथर करना है, तो हम रखता है सी एच थ्री बी आर, यस सी एच थ्री सी एल भी हो सकता है, एन एम सी ओ, ये तो कार्बन लेस कर देता है, मतलब कि 3 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड लेंगे या सोडियम साल्ट लेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस में ये भी मतलब कि 2 कार्बन का लेंगे, काहे कि एक तो हट जाता है और फिर एक और ऐसा ही मिल के बुर्ज की तरह होता है, यहाँ पर फ्री रेट का एक और जोड़ देंगे, और फिर एच टू पी डी में अल्केन लगा देंगे, मतलब इथीन लगा देंगे, फिर एच टू एन आई में अल्काइन लगा दूंगा, फिर अल्काइल क्लोराइड में जिंक और एच प्लस, ओके। दे आर सम रिएजेंट एंड द फंक्शंस, हो गया कंप्लीटेड।